चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिकुन नहीं क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए रेशो बी इजकल टू 1:2, बी रेशो सी इजकल टू में 3:4, सी रेशो डी इजकल टू में 6:9, तो आप और डी रेशो ई इजकल टू में 12:16। तो ए बी सी डी ई इन पांचों का आपको रेशो बताना है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आप इस तरह से कर सकते हैं। आपका देखिए इसमें जो दोनों में जो वैल्यू मेरी बी कॉमन है तो बी को आप यहाँ लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बी कितना मेरा, यहाँ पर कितना बी 2 है और यहाँ पे बी कितना मेरे पास में आपका 3 है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो बी की वैल्यू तो मेरे पास में 6 आ रही है। अब ये बी की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास में वो कितनी आ रही है आपकी 6 आ रही है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पर सी की वैल्यू दे रखी है आपको, सी की वैल्यू कितनी रखी है आपको 6 दे रखी है और डी की वैल्यू कितनी रखी है आपको 9 दे रखी। तो कुछ नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 6 18 हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा और 8 6 48 हो जाएगा आपका और 9 8 72 हो जाएगा। क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ कटता है तो काट दीजिए, 2 से कटेगा, 2 नीम 18, 2 18 36, 2 2 4 2 4 2 6 8, 2 3 6 2 6 12 12, तो 3 से कटेगा आपका, 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24 और 3 12 36, ये मेरे पास आ गया ए बी सी डी आ गया। अब डी और ई, ये डी और ई कितना है मेरे पास में 12 और 16 12 और आपका 16 16। इसको अगर और छोटा करना चाहे तो छोटा कर सकते हैं, तो 4 3 12 4 6 16, 4 3 12 और 4 6 16, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे, तो ये कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 8 3 24, 12 3 36 और 12 6 48, 12 6 48 किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, तो 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, 3 12 36 और 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि 3 6 8, 3 इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है आपका, 3 6 8 12 16, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं शुरू से कि क्या कैसे है, इस तरह से नहीं करना, तो वैसे करना इसको थोड़ा सा और थोड़ा फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा। तो पहले ए और बी का रेशियो लिख लिया मैंने 1:2, फिर मेरे पास में बी और सी है तो 3:4 में मैंने 4 लिख लिया। क्या करना, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास कितना आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8। ये मेरे पास में क्या गया ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखो सी डी मेरे को दे रखा है, यानी कि 6:9 आपका 9 दे रखा है आपका, इसको छोटा कर लेते हो, 3 2 6 और 3 3 9, ये मेरे पास 3:3 2 6, यानी कि 2:2 आपका कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। फिर सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना होगा 3 2 6 6 2 12 8 2 16 और ये हो जाएगा आपका 8 3 24, कटता तो काट दीजिए, 2 3 6 2 6 12 2 8 16 2 12 24। ये दे रखा डी और ई, डी और ई कितना है 12 और 16, तो 12 और 16 दे रखा है, इसको काट सकते हैं, 4 3 12 और 4 6 16, यानी 3:2 क्या दे रखा है आपका 4 दे रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा आपका, 6 3 18 हो जाएगा आपका, 8 3 24 हो जाएगा आपका, 12 3 36 हो जाएगा आपका और 12 6 48 हो जाएगा आपका। कटता है तो 3 से 3 3 9, 3 6 18, 3 8 24, 3 12 36 और 3 3 1 3 और 3 6 18, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।